हाल ही में बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया था, लेकिन अब 27 मई को उनके लाडली बेटे अब्राम का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब्राम अब पूरे 7 साल के हो चुके हैं। अब्राम हमेशा ही अपनी क्यूट सी स्माइल के जरिए हर किसी को अपना दीवाना बना देते हैं। ऐसे में आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं अब्राम से जुड़े हुए एक ऐसे राज के बारे में, जब शाहरुख खान ने लगातार इंटरव्यूज में जवाब दिए अब्राम को लेकर। दरअसल आपको बता दें, शाहरुख खान अपने लाडले बेटे अब्राम को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। जहां एक ओर अब्राम का जन्म हुआ सैरोगेसी के जरिए, तो वहीं सवाल भी उठने लगे कि आखिरकार शाहरुख खान ने सैरोगेसी का सहारा क्यों लिया, जब उनके 2 बच्चे पहले से थे, सुहाना और आर्यन, और उनके होने के बावजूद भी शाहरुख और गौरी ने ये बड़ा फैसला लिया। इसको लेकर लगातार शाहरुख खान ने इंटरव्यू में जवाब भी दिए। शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनके बड़े बेटे आर्यन के जन्म के बाद गौरी की हालत बेहद ही गंभीर हो गई थी। जहां एक ओर जब अब्राम का जन्म हुआ तब उस दौरान गौरी की उम्र थी 40 साल, ऐसे में उन्होंने सैरोगेसी का सहारा लेना ठीक समझा। वहीं अगर बात की जाए यहां पर शाहरुख खान के बेटे अब्राम खान को लेकर, तो यहां पर उनसे ये भी पूछा गया कि 2 बच्चे होने के बावजूद आखिरकार शाहरुख और गौरी को तीसरे बच्चे की जरूरत क्यों पड़ी, उन्होंने ये बड़ा फैसला क्यों लिया। तो शाहरुख ने इसका जवाब भी बेहतरीन तरीके से दिया। उन्होंने बताया, मेरा बेटा 16 साल का है और बेटी 13 साल की, और 4 से 5 साल से वे घर से बाहर रह रहे हैं और स्कूल जाते हैं। ऐसे में शाहरुख को बच्चों की कमी खलने लगती है। जी हाँ, उन्होंने बहुत ही दर्द भरा राज बताया अपना। उन्होंने बताया कि पहले बच्चे हमसे पूरे दिन चिपके रहते थे, मैं उनके साथ काफी वक्त बिताया करता था। हम न्यूक्लियर फैमिली हैं और हमें ऐसे रहना ही पसंद है। कुछ साल से बच्चे दोस्तों के साथ या फिर अपने कमरे में ही रहते हैं। वहीं शाहरुख ने ये भी बताया कि कभी कभी तो पता ही नहीं चलता कि वे घर पर हैं भी कि नहीं, हमें उनकी कमी खलती है। बेटा लंदन चला गया और कुछ दिन में बेटी भी जाएगी, लेकिन हमें बच्चों की कमी खलनी शुरू हो गई थी और इसीलिए एक और बच्चे का फैसला किया। और इस तरीके से शाहरुख खान और गौरी ने ये बड़ा फैसला लिया और तब सैरोगेसी के जरिए अब्राम का जन्म हुआ। जैसे ही अब्राम खान की तस्वीरें सामने आई तो मानो हर कोई उनका दीवाना हो गया। वेल दोस्तों, हो भी क्यों ना, अब्राम खान है भी इतने क्यूट। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।